Lemuria? गेम ऑफ थ्रोन्स वर्ल्ड की बेस्ट टीवी सीरीज में से एक है, इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती। और इस सीरीज में सबके अपने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इन सबके बीच इस सीरीज में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके अपीयरेंस को देखकर हर कोई दंग रह जाता है। हम ना तो जॉन स्नो की बात कर रहे हैं और ना ही ड्रैगन की माँ डेनेरियस टारगेरियन की, हम बात कर रहे हैं स्टार्क फैमिली के अपने वफादार डायरवुल्फ की, यानी कि भेड़ियों की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको स्पॉइलर देना चाहते हैं, अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन की सीरीज को देखा है तो ही वीडियो कंटिन्यू करें। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि कैसे जॉन स्नो के कहने पर नेड स्टार्क ने अपने सभी बच्चों को एक एक कर भेड़िया रखने को दिया था, और वक्त आने पर ये भेड़िये स्टार्क फैमिली को अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाते हैं, जिनमें से कुछ बच जाते हैं और कुछ मारे जाते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि गेम ऑफ थ्रोन सीजन 8 में वुल्फ का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इन भेड़ियों की अब तक के सफर की बात करें, इनमें से पहले भेड़िया को नेड स्टार्क को मारना पड़ा था जब नाइमेरिया, जो कि आर्या का भेड़िया, जॉफरी को काट लेता है और उसे आर्या जंगल में भगा देती है। लेकिन किंग के ऑर्डर पर नेड स्टार्क को ये कदम उठाना पड़ता है और नाइमेरिया के बदले सेंसा स्टार की भेड़िया लेडी को मारना पड़ता है। और वहीं एक दूसरे इंसिडेंट में जब रॉब और उनकी मदर रेड वेडिंग में एज अ गेस्ट इनवाइटेड थी और वॉल्डर उन्हें धोखे से मरवा देता है, तभी कुछ सैनिक ग्रे विंड को मार देते हैं जो कि रॉब स्टार्क का भेड़िया होता है। इसके बाद समर, जो कि ब्रैन का भेड़िया रहता है, और एक दिन जब व्हाइट वॉकर की आर्मी ब्रैन और हॉडोर पर अटैक कर देते हैं, तब समर व्हाइट वॉकर के झुंड पर कूद पड़ता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। नेड स्टार्क के सबसे छोटे बेटे रिकॉन के भेड़िये का नाम शैगी डॉग रहता है, लेकिन एक दिन अंबर्स, जो कि बोल्टन के लिए काम करते हैं, रिकॉन को पकड़ लेते हैं और शैगी डॉग को मार देते हैं। इन सबके बीच जॉन स्नो, जो कि स्टार्क के नाजायज बेटे माने जाते हैं, उनके पास भी एक भेड़िया रहता है जिसका नाम घोस्ट होता है। घोस्ट कई अहम मौके पर, जब जॉन स्नो को दीवार की पहरेदारी की कमान सौंपी जाती है, तो उनके बुरे वक्त पर घोस्ट उनके साथ खड़ा रहता है और उनकी जान बचाता है, और घोस्ट अभी भी जिंदा है, जिसका सीजन 8 में एक इंपॉर्टेंट रोल है। इन सबके बाद आर्या स्टार्क का भेड़िया नाइमेरिया भी जिंदा है, जिसे आर्या ने बचपन में जॉफरी को काटने के बाद भगा देती है ताकि उसे किंग मार ना सके। लेकिन नाइमेरिया को 7 सीजन में देखा गया था जहां वह भेड़ियों के झुंड को लीड करते हुए आर्या के पास आती है। गेम ऑफ थ्रोन के 7 सीजन के आने के बाद और इसके फाइनल सीजन को जल्द ही HBO पर प्रीमियर किया जाना है, और ट्रेलर को देखते हुए ये बात पता चलता है कि अब लड़ाई सीधे सीधे व्हाइट वॉकर्स के खिलाफ होनी है, जहां जॉन स्नो और डेनेरियस टारगेरियन और उनके ड्रैगन के साथ साथ हमें भेड़ियों का झुंड भी देखने को मिलेगा, जिसे आर्या के नाइमेरिया और जॉन स्नो के घोस्ट लीड करते हुए देखे जाएंगे और व्हाइट वॉकर्स के खिलाफ लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाएंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स के फाइनल सीजन के ट्रेलर का ब्रेकडाउन जानने के लिए ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह मूवीज से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।